इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं अरुण आहूजा मैं तुहाडे नाल राजनीतिक खबरां दे नाल नाल मनोरंजन दे नाल नाल होर एक जिहड़ी समाजिक गतिविधियां ने हरेक व्यक्ति दे मनुखी जीवन दे नाल जुड़ियां होईयां अहम गल्लां वो भी असीं तुहानूं किसी ना किसी सैगमेंट दे विच सांझियां जरूर करदे हां। ते अज एक अहम महत्वपूर्ण जानकारी मनुखी जीवन दे नाल जुड़ी हुई जिहदा मनुखी राशियां ते बहुत ज़्यादा प्रभाव पैंदा वो जानकारी अज तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। इस सैगमेंट दे विच स्वागत हैगा सारे दर्शकों का सारे स्रोतियां का। तो चंद्र ग्रहण नूं ज्योतिष विज्ञान विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोली घटना मन्या जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण आ जिहड़ा इहदा प्रभाव सारियां राशियां ते पैंदा है। तो इस तों अलावा जे गल करिए तां कल नूं एक चंद्र ग्रहण लगन जा रहा जिहड़ा साल का दूजा ते आखिरी चंद्र ग्रहण हैगा। जे गल करिए 2022 का यह चंद्र ग्रहण आखिरी हैगा, कार्तिक महीने के आखिरी दिन ग्रहण लगन जा रहा है। तो इस बाबत जिहड़ी अहम जानकारियां ने वो सांझियां करन लई साडे नाल अज विशेष मेहमान जिहड़े इस सैगमेंट दे विच जुड़ गए ने। तो जे असीं गल करिए डॉक्टर आर एस नैन जिहड़े आस्ट्रेलिया मेलबॉर्न दे विच बैठे अज लाइव सानू इस चंद्र ग्रहण की जानकारी देंगे, क्योंकि मनुखी जीवन दे विच अहम स्थान हैगा चंद्र ग्रहण का, सूरज ग्रहण का। तो ये जिहड़ा आखिरी चंद्र ग्रहण आ 2022 का मनुखी जीवन दीआं जिहड़ीआं राशियां ने साडीआं सारीआं दीआं उन्हां ते की प्रभाव पएगा, ग्रहणियों ते की प्रभाव पएगा, घर दे विच किस तरीके की सुख शांति रहन वाली है, ये सारे विषय उत्ते चर्चा करन लई साडे नाल विशेष मेहमान जुड़ चुके ने डॉक्टर आर एस नैन जिहड़े मेलबॉर्न तो हैगे ने। ते जानकारी दे विच वादा कर दिंदे आ ज्योतिष आचार्य भी हैगे ने ते एस्ट्रो दे साइंटिस्ट भी हैगे ने। स्वागत है जी तुहाडा इस मंच ते नैन साहब। अच्छा नैन साहब की कहोगे ये जिहड़ा चंद्र ग्रहण लगन जा रहा, जानकारी मुताबक ये साल का आखिरी भी हैगा ग्रहण ते दूजा ग्रहण हैगा, मनुखी जीवन ते इहदा की किन्ना क असर हुंदा? हाँ जी, ये चंद्र 8 नवंबर 2022 को लगेगा, ये साल का दूसरा ग्रहण होगा दो, और ये चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को। मैं बताना चाहूंगा आपको कि और क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको ग्रहण सुबह वो 5:29 हो जाएगा और 3 पहर तक स्टार्ट हो जाता, और इस वो 5 बजे पे शुरू हो जाए 2:00 को एकदम सूत्र चंद्र ग्रहण शुरू, और 2:29 आप देखिए 40 चंद्र शुरू हो जाए विजिबिलिटी शुरू हो। मैनू लगता है कोई टेक्निकल इशू हैगा, आवाज दे विच थोड़ी रुकावट आ रही है, जिहड़े साडे दर्शक सारे देख रहे ने इस तो पहला टैक्निकल इशू सॉल्व हो जाए उस तो पहला दर्शकों नूं थोड़ी जानकारी दे दिंदे आ। कल सवेरे 5:29 ते सूतक लग जाएगा, कल सवेरे 8 नवंबर की मैं गल कर रहा, दिन मंगलवार की मैं गल कर रहा, तो दोपहर नूं सूतक तो बाद 2:29 ते चंद्र ग्रहण जिहड़ा शुरू हो जाएगा, तो 3:46 ते शाम नूं 3:46 ते इहदी विजिबिलिटी है जिहड़ी चंद्र ग्रहण की वह दिखनी शुरू हो जाएगी, तो 4:12 ते शाम नूं पूर्ण तौर पर चंद्र ग्रहण लग जाएगा। जे 5:12 की गल करिए 5:12 वह घड़ी होएगी जदों चंद्र ग्रहण पूरी तरह खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सो सुख का सह लोग लैणगे, इहदे पिछे की कुछ लोगों को करना पैंदा वो भी जानकारी लवांगे डॉक्टर साहब दे कोलो। ते उस तो बाद 6:19 ते मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष का की मतलब हैगा ये डॉक्टर आर एस नैन जिहड़े सानू बखूबी दसणगे। ते बाद दे विच उस तो बाद मतलब 6:19 तो जदों मोक्ष स्टार्ट हो जाएगा उस तो बाद जिहड़ा आम तौर पर रूटीन दे विच असीं खाणा पीणा शुरू कर सकते हैं। ये साल का दूजा ते आखिरी ग्रहण हैगा,
ते आखरी दिन कार्तिक दे दिन यह ग्रहण लगन जा रहा। डॉक्टर साहब की कहोगे तुसी इस चीज़ नू बड़ी बरीकी दे नाल तुसी डीपली स्टडी भी किया हैगा, मनुखी जीवन ते इहदा किन्ना क असर पैंदा हैगा, थोड़ी उच्ची आवाज़ दे विच साढ़े पंजाब भर के दुनिया भर के बैठे जिहड़े दर्शक देख रहे ने उन्हां नू जानकारी दो। जी जी, ये चंद्रग्रहण जो है पूर्णमासी को लगता है जी, और चंद्र कार्तिक की है वो देव दीपावली कही जाती जी, चंद्रग्रहण लगेगा और ये तो होगा, यानी जैसा मैंने बताया आप 11:12 फुल चंद्रग्रहण और उसके बाद 5 आपको इस पे मोक्ष के आप बाद धर्म दक्ष जो भी आप और जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं जी। और चंद्र का तो मैंने बताया कि ऐसे समय में मत रखते हैं क्यों हैं है और खाना पीना बना पाता तो उसमें तुलसी का। अच्छा, खाण पीण दीआं जिहड़ीआं चीज़ां ने चंद्र ग्रहण, डॉक्टर साहब जिहड़ीआं खाण पीण दीआं चीज़ां ने ग्रहणियां अक्सर देखियां गईआं ने, जदों भी सूरज ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता जिहड़ा झाड़ू दा डक्का तोड़ के वह खाण पीण दे समान दे विच थोड़ा थोड़ा लगा दिता जांदा है, उहदा की लॉजिक हैगा? इसका लॉजिक आपके जाते हैं और उसके आप धो लिया जाता है तो नेगेटिव उसको डिस्चार्ज किया, इससे नेगेटिव है और क्योंकि कोई भी ग्रहण और अच्छा डॉक्टर साहब चंद्र ग्रहण जिदन लगना होंदा है उदन असी आम तौर पर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन ही सूरज ग्रहण लग्या सी उदन भी ये गल क्लीयर कर दी गई सी, मंदिरां दे भी कपाट बंद कर दिते गए सी कि पूजा नहीं कर सकते क्योंकि पूजा लगनी नहीं हैगी, ना ही सूरज देवता नू जल दे सकते हैं वह भी नहीं लगना हैगा, तो चंद्रमान ग्रहण के दिन भी इदां दा कोई लॉजिक जिहड़ा इंप्लीमेंट होंदा हैगा मनुखी जीवन ते? हाँ जी, इसका प्रभाव नेगेटिव चार्ज होती है तो आदमी के हेल्थ के थोड़ा पे इफेक्ट, जब आपकी नेगेटिव आएगी तो वो आपके पॉजिटिव को और किए और खाने पीने में एक बचा जाए करें होते करते हैं इस बात और उसका बचाव रखना तो देखना नहीं चाहिए हैं तो उसके और मालिक है और देखेंगे कि अगर चंद्रमा का बुरा प्रभाव आता है जी खराब है और चंद्रमा तो वहां पे दो रास्ते है विपरीत है तो उनके नेगेटिव प्रभाव भी आएगा इसके साथ ये आप देखेंगे अर्थ हुए की है और आपके समुद्र के पास। अच्छा, लॉजिकली जे देखा जाए तो यह एक खगोली घटना हैगी है, ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव सारी राशियां ते पैंदा हैगा, तो डॉक्टर साहब की कहोगे तुसी केड़ियां राशियां ते ज़्यादा इहदा प्रभाव पएगा ते किदां दीआं सावधानियां वरतणियां चाहीदियां ने? सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि है वो एरीज राशि, एरीज राशि पे एरीज को मेष नहीं है और ये
है तो उस पे प्रभाव पड़ेगा, मानसिक तनाव पड़ेंगे और इसके साथ साथ जो है बाद जो ग्रहण 12वें होगा यानी के टोरस, इससे अगली राशि जैसे टोरस है जिसको वृषभ राशि कहते हैं, उसके चंद्र ग्रहण 12वें स्थान पे आएगा तो वो भी हेल्थ सिस्टम को अपना ठीक रखेंगे तो फायदे में रहेंगे, यानी उनके नुकसान हो सकता है। अगर किसी देश प्रदेश की राशि है वहां के मुखिया को भी परेशानी आ सकती है, कहीं राजनीतिक संकट भी पैदा हो सकते हैं। मिनट का समय दो, असी दर्शकों को एक बार फिर जानकारी दे देने हैं। चंद्र ग्रहण नूं ज्योतिष विज्ञान दे विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोली घटना मन्या जांदा है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव है जिहड़ा उह सारियां दीआं राशियां ते पैंदा है। इस साल दे ग्रहण का आखिरी पड़ा 8 नवंबर 2022 यानी कि मंगलवार नूं कल नूं लगन जा रहा है। जानकारी लई तुहानूं दस दिंदे हां कि 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण है जिहड़ा कार्तिक के आखिरी दिन लगेगा, जिस कारण होर भी महत्वपूर्ण मन्या जा रहा। उह जाणदे हां चंद्र ग्रहण की मिति ते समय का जिहड़ा की कुछ प्रभाव पैण वाला। डॉक्टर आर एस नैन साडे नाल लगातार जुड़े हुए ने आस्ट्रेलिया तो, इहदी विस्थारपूर्वक जानकारी दे रहे ने कि कुछ प्रभाव इहदे पैंदे हैगे ने। डॉक्टर साहब, ये जिहड़ा चंद्र ग्रहण हैगा, लोग अक्सर छत ते चढ़ के चंद्र ग्रहण नूं देखदे ने, सूरज ग्रहण नूं भी देखण की कोशिश करदे ने, कि वह सही हैगा? देखिए, नंगी आंखों से देखना बिल्कुल गलत है। बाकी आजकल ज्ञान के जैसे उनसे तरह से देख लेते हैं, लेकिन अपने बहन को बेटे को मैं अनुरोध करता देख, क्योंकि है वो जरूर पड़े। और नंबर दो, मैं सभी सपनों से अनुरोध करूंगा तो पद देखने दे तो हमारी और हमारी जो है वो नंगी तो आंखों में ठीक है नंगी आंखों के नाल ना देखो ठीक है, जे ना भी देखो तां भी चल जाएगा। डॉक्टर साहब, तुसी आस्ट्रेलिया दे विच बैठे हो कि धरती दे उस पार उत्थे भी इह जिही चंद्र ग्रहण लगेगा, उत्थे भी समय दा कोई डिफरेंस हैगा? तुसी थोड़ा जिहा इह भी जानकारी दो, क्योंकि साडे दर्शक विदेशां दे विच भी बैठ के इस प्रोग्राम नूं देख रहे ने। थैंक यू धन्यवाद आपने। और मैं यहां पे मेलबर्न और वहां भी काफी लोग तो मैं उनको में जो है दो मिनट से शुरू होगा और 9:00 पर तो ये ध्यान से और 11:29 ये समाप्त मैं ये के को भी भाई को रहे वो ध्यान रखें और है अपना जो मैंने बताया आंखों से ना देखें पाइप में रखें तो अच्छी बात है। और ऐसे और आप कोई कारण ओम नमः शिवाय शिव जी के तो मतलब या जो भी आप करते हैं कुछ भी करते हैं तक बोल सकते हैं अपने इस करते हैं तो ऐसे तो याद करें का जानते हैं तो जो उससे नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी दी तुसी गल कीती है, नकारात्मक सोच हो जाती है अपने ओरे दे विच, जेकर वो नैगेटिव एनर्जी दाखल हो जाए तो आम रूटीन दे विच अपनी दिनचर्या हैगी है, अपनी रूटीन अपनी जिंदगी दे विच काफ़ी उहदा प्रभाव पैंदा। डॉक्टर साहब, जेकर ये चीज़ां सारियां जिहड़ियां तुसी समझाइयां ने, जेकर इन्हां प्रोटोकॉल्स नूं नहीं मन्निया जांदा, इन्हां दे उल्ट चलदे ने लोक, तां उहनां दी जिंदगी दे विच किस तरह का नुकसान भी हो सकता? कोई उहदे बारे भी थोड़ी जानकारी दो ताकि लोगों नूं असीं सुचेत कर सकीए। आप देखिए
आप देखेंगे कि जब ये ग्रहण लगता है तो पहले मासी के दिन जो होता है जी। इसके प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तो आप प्राकृतिक आपदा है तो मनुष्य तरह से वो नेगेटिव प्रभाव हेल्थ सिस्टम करके आपका सर्व सिस्टम आप कर को भी तरफ है उसको करते हैं कोई बीमारी। तो ज्योतिषाचार्य जी डॉक्टर आर एस नैन जिहड़े आस्ट्रेलिया मेलबर्न तो साडे नाल जुड़े हुए सीगे, पूरी डिटेल दे विच इन्हां ने जानकारी देने की कोशिश की है ताकि भारत दे भी विदेशां दे विच भी बैठे जिहड़े लोग हैगे ने चंद्र ग्रहण का अपनी मनुखी जीवन ते की कुछ प्रभाव पैंदा हैगा, राशियां ते की कुछ प्रभाव पैंदा, आम लोगों नूं किस तरीके नाल वो सारे दुष्प्रभावों तो बचिया जा सकता वो सारे उपाय दसे हैगे ने। सो अगले सैगमेंट दे विच भी असी किसी ना किसी इस तरह के इशू नूं लैके तुहाडे रूबरू होवांगे, तुहानूं अहम जानकारी देवांगे क्योंकि इंडिया न्यूज़ पंजाब का यह मुढ़ला फर्ज बन जाता है लोगों नूं जागरूक करना, चाहे वह समाजिक करीति होवे चाहे समाज के खिलाफ फैल रहा क्राइम होवे। होर ताज़ा तरीन खबरां देखने लिए देखते रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब। सत श्री अकाल।